हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लासेस। कल हमने जनवरी का पार्ट फर्स्ट देखा था, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। आज हम पार्ट सेकंड देखेंगे। कल चार इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट किए थे, चार और करेंगे इस पार्ट में, जिससे कि हमारा जनवरी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल पार्ट फर्स्ट देखा था, आज पार्ट सेकंड देखेंगे। चार इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स थे, आज चार पांचवे से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। पांचवा हमारा, महाराष्ट्र अप्रूव्स नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना टू प्रमोट क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। कब लॉन्च की ये योजना? 19 जनवरी 2018 को। क्या है ये योजना, ये किसके नाम से? फर्स्ट तो ये देखना है, नानाजी देशमुख कौन थे? सोशल वर्कर थे, इन्हें एग्रीकल्चर के सोशल वर्कर थे, जिन्होंने इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजित किया गया था, ठीक है। और उन्हीं के नाम पे ये योजना महाराष्ट्र सरकार ने लागू की है, ठीक है। कितने की ये योजना? 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 70% वर्ल्ड बैंक लोन देगी और 30% स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंस करेगी, खर्च करेगी। टाइम ड्यूरेशन, कब से कब तक ये योजना लागू होगी? 2018-19 से लेकर 2023-24 तक ये लागू रहेगी, 6 साल तक की ये इसके अंदर वर्क होगा, ठीक है। कहाँ पे लागू की गई? 5142 गाँव में, ठीक है, लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किन के लिए है ये? स्मॉल एंड मीडियम स्केल फार्मर, जो भी एग्रीकल्चर से जितनी भी सुविधाएं हैं वो किसानों को दी जाएगी 15 डिस्ट्रिक्ट के 5142 गाँव में। और किन को दी जाएगी? स्मॉल और मीडियम स्केल के जो फार्मर है उनको, ठीक है। छठा करंट अफेयर है हमारा, 10th ग्लोबल फोरम फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर GFFA हेल्ड बर्लिन जर्मनी, ठीक है। जो 10वां हमारा ग्लोबल फोरम फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की मीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है? बर्लिन में, जर्मनी में हुई है। कब हुई है? 18 से 20 जनवरी तक, ठीक है। इस मीटिंग की क्या थीम रखी गई है? थीम ऑफ दिस ईयर इवेंट, हर साल अलग अलग थीम होती है और एग्जाम में थीम पूछते हैं कि इस साल 10वें ग्लोबल फोरम फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की क्या थीम रखी गई है, तो उसकी थीम क्या है हमारी? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लाइव स्टॉक सस्टेनेबली रिस्पॉन्सिबली इफेंशियली, ठीक है, इसकी थीम है, ठीक है। इस इवेंट को किसने लीड किया? लीड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अपने जो स्टेट के यूनियन मिनिस्टर है, केंद्र में कृषि मंत्री जो है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के, गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये मीटिंग को लीड किया है, मतलब इस मीटिंग की अगुवाई की है। मीटिंग कहाँ हुई है? बर्लिन में। कौन से नंबर की मीटिंग है? 10वीं। और कब से कब तक हुई है? 18 से 20 जनवरी 2018, ठीक है। किस चीज़ पर फोकस किया गया है इसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर? फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव एनिमल प्रोडक्शन अमंग अदर इशू, एग्रीकल्चर के अंदर जो भी एनिमल प्रोडक्शन है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस मीटिंग के अंदर चर्चा की गई है। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, हिमाचल प्रदेश लॉन्चेस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई है? ये 30 जनवरी को, ठीक है। ये पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? JBNF, JBNF की फुल फॉर्म क्या है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है JBNF, किस लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। किसके थ्रू लॉन्च हुई, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वहाँ के हिमाचल प्रदेश के CM मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा, ठीक है। क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का? टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द इनकम ऑफ फार्मर बाय द ईयर 2022, ठीक है। 2022 तक जो किसानों की इनकम है, इनपुट कम करके आउटपुट ज़्यादा करने के लिए, इन्वेस्टमेंट कम हो किसानों का और इनकम ज़्यादा हो। इनकम ज़्यादा कैसे होगी? जब किसी फसल में हम ना पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, ना ही कोई खाद, ना कोई दवाई, तो उससे हमारे इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है। और जो प्रोडक्शन है वो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू बढ़ेगा, जमीन अच्छी रहेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे किसानों के लिए इन्वेस्टमेंट कम और इनकम ज़्यादा होगी। ये 2022 तक करने की योजना है, ठीक है। फार्मर ने इस
इस प्रोजेक्ट के अंदर JBNF के अंदर फार्मर किन चीज़ों का यूज़ कर सकता है नेचुरल फार्मिंग करने के लिए, जीव अमृत, बीज अमृत, अर्थ फॉर्म्स, काउडग, यूरिन, प्लांट्स, ह्यूमन एक्सेट्रा एंड सच एज बायोफर्टिलाइजर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जो गोबर खाद है, केचुआ खाद है, इन सबको अपनी नेचुरल फार्मिंग की खेती में यूज़ कर सकता है। बीज अमृत है सीड ट्रीटमेंट के लिए, जीव अमृत जो खाद के लिए, ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी वेस्टेज है उनका एक खाद बना के निश्चित रूप में समय तक फिर प्लांट को दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट ही केचुआ खाद, गोबर खाद और गोमूत्र वगैरह डायरेक्ट यूज़ किया जाएगा, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हो और इनकम ज़्यादा हो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स इस साल एग्जाम में आ सकता है। लास्ट हमारा आज का, इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन पायोनियर डॉक्टर गुरचरण सिंह कलकट, ठीक है, 92 पासेस अवे इन चंडीगढ़, 28 जनवरी 2018। जो इंडिया भारतीय हरित क्रांति के जो अगुवाई करने वाले साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, गुरचरण सिंह कलकट, वो 92 की उम्र में उनका देहांत हो गया, कहाँ पे, चंडीगढ़, 28 जनवरी 2018 को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय हरित क्रांति के अगुवाई करने वाले साइंटिस्ट थे और इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनका जन्म कब हुआ था, जून 17, 1926 को, कहाँ पे, होशियारपुर पंजाब में, और उनकी डेथ कब हुई, चंडीगढ़ में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारतीय हरित क्रांति के अगुवाई करने वाले साइंटिस्ट थे और ये पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, तीन तरह के अवार्ड होते हैं, एक होता है सबसे ऊपर भारत रत्न, उससे नीचे पद्मश्री, उससे नीचे पद्म भूषण और सबसे नीचे पद्म विभूषण। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फरवरी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। ठीक है, जो भी आपके सजेशन, डाउट और इंक्वायरी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है FB का, उस पर आप मैसेज करके कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट फरवरी के एग्रीकल्चर करंट अफेयर डेटा में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।